माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है, और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से दो लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और रजत पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, और इनसे जानकारी करने में आया है कि इन्हें लगभग 15 अभ्यर्थियों से 50,000 से लेकर लगभग 1,00,000 रुपए तक इस परीक्षा में नकल कराने के नाम पर लिए थे, और इनकी योजना ये थी कि जो रजत पुंडीर है ये स्कूल में किसी भी परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर के रूप में अपनी ड्यूटी लगवाने में लगा हुआ था और वहां से इसके द्वारा जो परीक्षा पत्र है क्वेश्चन पेपर है उसकी फोटो खींचकर बाहर मुकेश सैनी को दिखानी थी, और मुकेश सैनी द्वारा कई सारी ब्लूटूथ डिवाइस मंगाई गई थी जो कि उसने छात्रों को जो अभ्यर्थी थे उनको वितरित कर दी थी और उनको फोन करके उन डिवाइस पर उसके आंसर्स बताए जाने थे। तो इसमें ये लोग अपना जो नकल का एक कार्यवाही कर पाते उससे पहले ही एसटीएफ के द्वारा कार्यवाही करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो 15 अभ्यर्थी आए हैं उनमें से 3 अभ्यर्थियों को तस्दीक कर लिया गया है और उन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्यवाही की जा रही है, और इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।